कितनी देर में आ रहे हो? 10 मिनट में? ठीक है, कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं? बन जाएगा तुम्हारा गाजर का हलवा। मेरे हस्बैंड को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अगर आपको भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है तो मेरे पास आज आपके लिए है एक सरप्राइज। आज गाजर का हलवा बनेगा केवल 10 मिनट में। सच में केवल 10 मिनट में। और इस हलवे में वही घी में भुना दूध में पका गाजर का स्वाद होगा। और एक बात जानते हैं, इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए हमें गाजर को ग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, वो भी दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये तो बताइए कि सदियों में आपका फेवरेट डिजर्ट कौन सा है, फिर शुरू करेंगे। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी, इस गाजर के हलवे के लिए हमको गाजर को ग्रेट करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, इसे पहले अच्छे से छील जरूर लेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, पील करने के बाद इसे हमें ग्रेट तो नहीं करना है, लेकिन हाँ, इसकी ये जो जड़ है ना, ये जड़ और इसकी ये जो टिप है, इन दोनों को कट करके हम निकाल देंगे। अब पहले इस गाजर को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि अगर इस पे थोड़ी सी भी मिट्टी बची हो ना, तो वो सारी निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस गाजर को ग्रेट करने की जगह इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये 1 किलो गाजर मेरी कट गई। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, हमारे गाजर के हलवे में आएगा हमको वही घी में भुना हुआ स्वाद और दूध में पका हुआ स्वाद गाजर का। लेकिन इसे कढ़ाई में पकाने की जगह मैं पकाने जा रही हूँ एक प्रेशर कुकर में। अब अपने प्रेशर कुकर में मैं लूंगी 1/4 कप देसी घी, और इस देसी घी में पहले मैं ऐड करूंगी 2 से 3 हरी इलायची, और उसके बाद ये सारा का सारा गाजर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इस गाजर को मैं 3 से 4 मिनट के लिए पहले अच्छे से भून लूंगी, ताकि ये जो गाजर है थोड़ी सी नरम भी पड़ जाए, और इस गाजर के अंदर जो शुगर है ना, इसकी जो नेचुरल स्वीटनेस है, वो थोड़ी सी कैरमलाइज होने लग जाएगी, और आप देखेंगे गाजर में भी हल्का सा कलर आ जाएगा। अब बढ़िया खुशबू आने लग गई हमें गाजर पकने की, गाजर के भूनने की भी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 कप दूध, और इसको 2 सीटी आने तक पका लूंगी। दो सीटी आ चुकी हैं, अब गैस को कर देंगे बंद और पहले प्रेशर कुकर को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो जब तक मेरा प्रेशर कुकर खुलता है, मेरे पास यहाँ ये जो काजू है, इसको मैं हाफ में कट करके रख लेती हूँ। चेक कर ली जाए हमारी गाजर गली की नहीं गली। अगर आपकी गाजर ना गली हो तो आप इसको एक प्रेशर और लगा सकते हैं। गल गई। अब इसे एक बड़े से पैन में पहले मैं निकाल लूंगी, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। अब बड़े पैन में निकाल लेने से जानते हैं फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इसका जो मॉइस्चर है, ये भी जल्दी सूख जाएगा, और हमारा जो गाजर है, ये भी अच्छे से भूनने लग जाएगा। लेकिन अभी पहले हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 कप चीनी। गाजर चीनी के साथ पकती भी जाएगी, और चीनी भी पानी छोड़ेगी, ये पानी भी सूख जाएगा, एंड यू विल नोटिस आपके गाजर का रंग भी और निखर जाएगा। और अब एक पोटैटो मैशर की सहायता से मैं इस गाजर को ऐसे क्रश करती जाऊंगी। ऐसा करने से ये क्रश भी हो जाएगी और चीनी के साथ घुलती मिलती भी जाएगी। अब जब ये गाजर अच्छे से क्रश हो जाएगी ना, ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट, वो जो मैंने पहले से ही यहाँ पर काजू काट करके रखा है, ये काजू, थोड़ी सी किशमिश, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी चिरौंजी भी। अब इस हलवे को 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर हम भून लेंगे, ताकि इसका जितना पानी है ना, जल्दी से वो पानी भी सूख जाए।
जब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें खोया। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप इसमें एक कप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, बट इन दैट केस आपको इसे थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आधा कप खोया, और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लगता है आ गए ये लोग, और मेरा हलवा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। देखिए इसने घी तक छोड़ दिया है। अब बस इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी मैं, और खोए के साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ, और इसे सर्व कर दूँगी। हाँ बाबा, आ रही हूँ।